पूरी दुनिया में क्राइम का ताल्लुक सोसाइटी के साथ होता है पुलिस का ताल्लुक रिस्पांस के साथ होता है अगर किसी ने पर्चा नहीं दिया तो उसको सजा भी दी गई है एक रुपये का पर्चा होगा तो वो भी दर्ज करेंगे दिस इज द पॉलिसी वन फाइव की कॉल इज अ वेरी गुड मैयर रीजनेबल मैयर है ये देखने के लिए कि क्राइम किस तरफ जा रहा है उसकी मूवमेंट क्या है कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स आर बीइंग डेल्ट with आयरन हैंड औरतें और बच्चे उनको हमारा रीच आउट बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है असला नाज़िन आप देख रहे हैं पी एस सी टी वी प्रोग्राम पुलिस लॉक के साथ मैं हूँ आपका मेजबान उमर पख्त नाज़िन आबादी के लिहाज से पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है यहाँ पर अमनो अमान की सूरत बरकरार रखना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता साल 2021 में पंजाब पुलिस बहुत से महाज़ों पर सरगर्म रही साल 2022 में पंजाब पुलिस को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं और इस हवाले से आईजी पंजाब की क्या पॉलिसी है इस बारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डी कामरान आदिल साहब आई उनसे बात करते हैं जी सर वाकुम सर ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि गुजशतर बरस बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस रिपोर्ट हुए जैसे बच्चों से ज्यादा या खातन से ज्यादा इवन दो पुलिस टॉर्चर भी इस हवाले से पुलिस की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी क्या रही जी थैंक यू वेरी मच आपने मौका दिया कि इस पर बात की जाए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज आई जी साहब की जो पॉलिसी है और जो पुलिस लीडरशिप इस वक्त सोच रही है वो ये सोच रही है कि हाउ टू इम्प्रूव आर रिस्पॉन्स आप जानते हैं कि क्राइम इज़ अ सोशल फिनिना पूरी दुनिया में क्राइम uh, का ताल्लुक सोसाइटी के साथ होता है पुलिस का ताल्लुक रिस्पांस के साथ होता है स्टेट का ताल्लुक रिस्पांस के साथ होता है तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि रिस्पांस बेहतर किया जा सके रिस्पांस की फिर कई शक्लें हैं नंबर वन इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम अगर आप किसी भी क्रिमिनल को सबसे बड़ा कोई फ़ायदा दे सकते हैं तो वो ये दे सकते हैं कि आप उसके पर्चा दर्ज ना करें जब पर्चा दर्ज नहीं होगा तो वो रिकॉर्ड में आएगा ही नहीं इट विल सिंपली नॉट बी रिफ्लेक्टेड तो सबसे पहले तो रिस्पांस uh, में रजिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया गया है उसको बहुत फ्री रजिस्ट्रेशन पे देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ तक कि सजाएं दी गई हैं फॉर वर्किंग अगर किसी ने पर्चा नहीं दिया तो उसको सजा भी दी गई है कई लोगों ने आपने शायद सोशल मीडिया में देखा हो कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया कि पाँच सौ का भी पर्चा दर्ज हुआ है तो एक रुपये का पर्चा होगा तो वो भी दर्ज करेंगे दिस इज़ द पॉलिसी नो बेनिफिट टू एनी क्रिमिनल दिस इज़ नंबर वन नंबर टू जब एफ दर्ज हो जाए तो उसके बाद दूसरा स्टेप है विक्टम मैनेजमेंट कि विक्टम को आप उसको जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो दें उसकी डिग्निटी बरकरार रखें उसे प्रॉपरली हैंडल करें उसको ये फील हो कि उसकी रिड्रेस का कोई मेकनिज़म हो रहा है उसकी बात सुनी जा रही है आपकी अपनी जो भी राय हो आपकी जो भी तफ्तीश हो उसको आप संभाल के रखें और उसको बर वक्त एविडेंस कलेक्शन की स्टेज पर रिकॉर्ड पर लेकर आएँ तो दूसरी स्टेप टू स्टेप थ्री ये है कि उसके जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एविडेंस बेस्ड एक्शन लिया जाए और टाइमली लिया जाए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइट बर वक्त एक्शन होना ये तीन बड़े कॉम्पोनेंट्स एनी लॉफुल रॉबस्ट रिस्पॉन्स काम सब ये बताइएगा कि अर्बन क्राइम और रूरल क्राइम में क्या मेन डिफरेंस है इसके अंदर अगर आप पाकिस्तान पंजाब का लॉ देखें पुलिस ऑर्डर के अंदर तीन तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं नंबर वन इज़ कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर नंबर टू इज़ सिटी डिस्ट्रिक्स विच आर फोर डिस्ट्रिक्स फैसलाबाद गुजरावाला रावलपिंडी और मुल्तान तो ये सिटी डिस्ट्रिक्स हैं एंड रिकमांडेड बाई डी आई जी रैंक ऑफिसर्स एंड देन देयर आर थर्टी वन डिस्ट्रिक्स या रूरल डिस्ट्रिक्स भी कहते हैं वो इकतीस डिस्ट्रिक्स जो हैं वो इनके अलावा हैं तो ये टोटल तीन तरह के डिस्ट्रिक्स हैं तीनों की अपने अपने चैलेंजेस हैं फॉर एग्जांपल कैपिटल सिटी जो है आपको पता है बिकॉज़ यहाँ पे तमाम ऑफिसेज़ होते हैं यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो रही होती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे फॉर्नर्स भी होते हैं तो इसका रिस्पांस मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर होता है राजनपुर में कुछ हो जाए तो लाहौर में उसके ऊपर यहाँ पर एहत हो सकता है आपको यहाँ देखने को मिले फॉरनर्स की रेलीज़ यहाँ मिलती हैं इसी तरह स्पेशल पीपल का जब अपना था धरना तो यहाँ पर आए तो वो सब चीज़ें यहाँ कन्वर्ज होती हैं तो इनका लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन सारे चैलेंजेस के बावजूद अगर आप लाहौर का आ, जो आ, हमें कॉल्स मौसूल होती हैं चूंकि देर आर टू मईर्स एक मैर है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ़ आई आरस द अदर मईर इज़ वन फाइव की कॉल्स अब रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ़ आई आर के बारे में तो ये कोई क्वेश्चन कर सकता है ये तो पुलिस के अपने कंट्रोल में चीज़ है वो कितने पर्चे दर्ज करते हैं कितने नहीं करते लेकिन आ, जो वन फाइव की कॉल्स हैं दैट्स रिलेटिवली न्यूट्रल मैयर बिकॉज वन फाइव की कॉल इज़ नॉट इन माई कंट्रोल कोई भी कर सकता है किसी भी जगह से कर सकता है तो अगर आप वो वाला डाटा देखें तो 44 परसेंट उसमें आपको कमी नज़र आएगी ऑन इन वन फाइव कॉल्स इन द लास्ट थ्री फोर मंथ्स और ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पांस बेहतर करने से है आई एम नॉट मेकिंग अ क्लेम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एक इंडिकेटर है जिसको लिया जा सकता है जिसको देखा जा सकता है टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन पंजाब तो अगर आप ये वाला मैयर देखें तो आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ उसमें डिक्लाइन नजर आता है ख़ासतौर पर लाहौर में Uh, इसके साथ साथ uh, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी उनमें फिर स्ट्रीट क्राइम का चैलेंज है जो कि लाहौर का भी चैलेंज है और जो रूरल हैं उनके अंदर और तरह के मसाइल हैं फॉर एग्जांपल कैटल थेफ्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं विच आर नोन फॉर कैटल थेफ्ट वहाँ पे कैटल थेफ्ट का एक इशू बड़ा सीरियस होता है तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है कौन सा क्राइम कैसे है इसमें जो आई uh, साहब पंजाब का व्यू है वो बड़ा आई वुड से बड़ा प्रोफेशनल है उन्होंने एग्रेसिव पुलिसिंग का मॉडल अपनाया है एग्रेसिव पुलिसिंग के मॉडल में ये होता है कि आप क्राइम पॉकेट्स को डेटा की बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर आप आ, उनको फाइट बैक करते हैं वहाँ रिसोर्स लगाते हैं जहाँ पे क्राइम पॉकेट होगी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोसेज लगाए जाते हैं उसको तोज्जो में रखा जाता है और उसके बाद उस क्राइम को वहाँ पर घटाया जाता है आम तौर पर क्राइम डिसप्लेस हो जाता है ख़त्म कभी नहीं होता इस वक्त जो बेल का लॉ है फॉर एग्जाम्पल कार चोरी बहुत ज़्यादा है वो तीन साल सजा है तो तीन साल सजा अगर एक आदमी ने दस गाड़ियाँ चुराई हैं उसके लिए भी तीन साल सजा है उसने एक गाड़ी चुराई है फिर भी तीन साल सजा है तो वो दे दे लाइकली कम बैक और उसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स का बहुत बड़ा रेशो है वो लोग जो बार बार यही काम कर रहे हैं तो ये पूरे क्राइम की अगर एनालिसिस कोई करना चाहे तो आई इनवाइट के इसमें पढ़े लिखे लोग इसको आएँ देखें हमने अपना डाटा कंपाइल कर लिया और उसकी हम वैलिडेशन कर रहे हैं साल 2021 में ज्राइम के हवाले से क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा ट्रेंड के बारे में आ, मैं आपसे सबमिट करना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड बनता है वो कम से कम पाँच साल के ऊपर अगर आप उसको डाटे को प्लॉट करें तो फिर पाँच साल पर ट्रेंड बनता है लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन पूछा है और देर इज अ टेंडेंसी इन आर कंट्री टू जज क्राइम मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वन ईयर तो उस पर भी अगर आप देख लें तो आपको बड़ा क्लियर एक चीज़ फीचर नज़र आएगा कि सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स वन फाइव की जो कॉल्स हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन के हेड में लाहौर के अंदर क्राइम अगेंस्ट पर्सन का मतलब है कत्ल इकदाम कत्ल अगवा वो फोटी फोर परसेंट उसमें कम हुआ है मैं आपसे सबमिट करूँगा कि वन फाइव की कॉल इज़ अ वेरी बैड गुड मैयर एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर्ड क्राइम एफ़ आई आर तो पुलिस ने खुद रिकॉर्ड करनी होती है वो तो हमारे हाथ में है लेकिन वन फाइव की कॉल्स हमारे हाथ में नहीं होती वो तो थर्ड पार्टी ने करनी है ठीक है और वो वन फाइव की कॉल्स इज़ अ वेरी गुड मैयर रीज़नेबल मैर है ये देखने के लिए कि क्राइम किस तरफ जा रहा है उसकी मूवमेंट क्या है तो उसके अंदर इन तीन कैटेगरीज़ में लाहौर के अंदर आपको फोर्टी फोर परसेंट वो न, उसमें कमी नज़र आती है कॉल्स में नंबर वन नंबर टू ओवरऑल जो क्राइम रजिस्ट्रेशन है उसमें आई जी साहब ने चूंकि बड़ा क्लियर हुक्म दिया था कि फ्री रजिस्ट्रेशन की जाए तो आप जब देखते हैं तो आपको उसमें हम उसको दो तीन तरीके से डाटे को हम सेग्रीगेट करते हैं नंबर वन डाटा देखते हैं अग्रेसिव पुलिसिंग का डाटा उसको प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी कहते हैं और अग्रेसिव पुलिसिंग भी कहते हैं अग्रेसिव पुलिसिंग या प्रिवेंटिव पुलिसिंग में हम लोग लेकर आते हैं आर्म्स जो इलीगल आर्म्स लोग ले फिर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ड्रग्स के खिलाफ एक्शन गैम्बलिंग के खिलाफ एक्शन इसको ऑर्गेनाइज क्राइम की भी कुछ फॉर्म्स कहा जाता है इन सब में बहुत ज़्यादा आपको ख़ातर खा इजाफा नज़र आएगा नंबर वन नंबर टू है हैंनीस क्राइम वो हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए और आमतौर पे उसका ताल्लुक होता है डिटेक्शन के साथ के डिटेक्शन इस पुलिसिंग कितनी अच्छी हुई है तो उसमें भी आप देखेंगे कि कंपैरेटिव टर्म्स में ऑलमोस्ट सेम रहा अगर आप इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट uh, देख लें इसके साथ अगर आप आबादी uh, की बढ़ती हुई रफ्तार देख लें पॉपुलेशन इंक्रीज़ देख लें वो जब उन चीज़ों के साथ प्लॉट करके देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वो स्टडी मिलेंगे आपको हायर साइड पर नहीं मिलेंगे तो ये दो तीन चीज़ों के साथ जब उसको ट्रायंगुलेट करेंगे डाटे को तो आपको डिफरेंट व्यू मिलेगा जो इस वक्त विजिबिलिटी बन रही है वो ये बन रही है कि लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली हमने उसके मुताबिक ही इसको किया है हम जो इंटरनली हम जो यूज़ करते हैं के पी आई फॉर क्राइम ख़ासतौर पर हैंनीस क्राइम वो ये देखते हैं कि वो रीज़नेबल मीस पे रहे और जो पुराने ग्रुप्स हैं रिपीटर ग्रुप्स वो ज़्यादा ऐसे काम ना कर रहे हो तो उसके अंदर हमें का काफ़ी कामयाबी हासिल हुई पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस अकाउंटेबिलिटी का एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है साल 2022 में क्या कोई नया इनिशिएटिव लिया जाएगा जी अगेन इस पर काफ़ी ज़्यादा नंबर वन जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो इंटेग्रिटी का रखा गया है वो ऑनेस्टी का रखा गया है और उसमें पूरी इंटरनल यहाँ पे हमारे पास एक इंटरनल uh, अकाउंटेबिलिटी बेरो के नाम से पूरा सेटअप बन चुका हुआ है और वो इस वक्त डाउन टू द लेवल डिस्ट्रिक्ट चला गया है हर डिस्ट्रिक्ट में उसके दफातर हैं हर रीजन में उसके दफातर हैं और उसके दफातर आई ऑफिस में भी मौजूद हैं उसमें जबकि कोई चीज़ उसके टेंटिकल्स पर आ जाती है और ख़ास तौर पर पुलिस एक्सेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स अगेंस्ट देर करप्शन अगेंस्ट देयर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन दे आर बीइंग डेल्ट विद आयरन हैंड उसमें आई साहब की जो मैट्रिक्स है ऑन पनिशमेंट ये है कि सख्त से सख्त पनिशमेंट देनी है बिल्कुल ऐसे लोगों को हमने वीड आउट करना है पहले ये लोग कुछ लोग वापस भी आ जाते थे उस पर भी अब बैक कर रहे हैं कि वो अदालतों के थ्रू भी वापस ना आए वहाँ पर भी उनको प्रॉपर पैरा दिया जाए और इन्शोर किया जाए कि दे डोंट कम बैक इन दिसटम तो मुझे लगता है कि उससे जो अच्छे लोग हैं एक तो उनकी हौसला अफजाई होती है दूसरे ऐसे लोग दे बिकम they do not get the employment again in police. तो so दिस is वन वे ऑफ checking एट it और उसमें आई ए बी इज़ वन टूल जिसपे बहुत ज़्यादा उ है इसके अलावा एसड डिकलेन के फॉर्म सब अफसरान से लिए गए हैं उसको हिस्सा बनाया गया है इसके अलावा हमारे पास स्पेशल ब्रांच की विजिलेंस आती है तो ये सारा नंबर वन प्रायरिटी है आई जी साहब की ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मोर देन वी फ्राइट क्राइम वी वी लुक एट आर ऑफिसर्स कॉन्डक्ट एंड द वे दे बिहेव अगर हम बात करें कम्युनिटी पुलिसिंग की तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जहां पे पुलिस की जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसमें होता है कि एट द एंड ऑफ द वीक दे हैव अ कप ऑफ टी विद द कम्युनिटी पीपल ताकि जो क्राइम की जो रिपोर्ट है लोग इजी ईज फील करें क्राइम को रिपोर्ट करने में पंजाब पुलिस में कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से क्या मैकेनिज्म है जी थैंक यू अगेन इसमें जी कम्युनिटी पुलिसिंग इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट इसके बारे में कहा जाता है इट इज अ स्ट्रेटजी इट इज अ टैक्टिक एंड इट इज ऑल् लाइफ स्टाइल ऑफ़ पुलिसिंग तो इसके तीनों तरह के इसके आ, फ्लेवर्स पाए जाते हैं आ, इस वक्त हम अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इसमें आ, रीच आउट का नंबर वन हमारा एजेंडा है अगर आप देखेंगे तो आपको रेगुलर एक फ़ीचर नज़र आएगा खुली कचहरीों का खुली कचहरी में आम आदमी आके अपना मसला हल कर सकता है और वो फिज़िकल इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी होती है आपको पता है नो मैटर आई के दौर में रह रहे हैं लेकिन फिज़िकल जो इंटरैक्शन है जिसमें दफ्तरों की सारी की सारी वो जो रिबन की बात होती है वो सब कुछ नहीं होता बल्कि यू गो इन द फील्ड यू मेक योर सेल्फ़ अवेलेबल अगर दूर दराज की कोई तहसील है जो कि uh, सदर डी पी ओ के दफ्तर से दूर है सी पी ओ के दफ्तर से दूर है तो वहाँ पर रीच आउट करता है मौका देता है लोगों को कि आए और मिले तो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग और इससे फिर हम लोगों की एप्लीकेशन लेके फिर उसका फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर वहाँ पे एक हमने मैयर ये बनाया है कि अगर कोई एक कंप्लेनेंट एक ही uh, खुली कचहरी में सेम सब्जेक्ट पे दोबारा आएगा तो वो उसको हम उसको अलहदा लेंगे और उसको देखेंगे दिस इज़ वन नंबर टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल के हवाले से काफ़ी होमवर्क हो चुका हुआ है लॉ में ऑलरेडी इस पर प्रोविजन भी मौजूद है कोशिश भी की जा रही है कि इसको हम uh, ले कर आएँ इसको मेन स्ट्रीम पुलिसिंग से जोड़ें उसकी वजह यह है कि एक्सेस टू जस्टिस का बहुत बड़ा इशू uh, जो ताल्लुक़ है वो कम्यूनिटी पुलिसिंग के साथ है कि हम उनको रीच आउट करें उनको एक्सेस दें इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर टू द देयर प्रोटेक्टर्स जितना यह गैप ज़्यादा होगा उतनी प्रोटेक्शन वीक होगी Uh, तो ये हमने वैल्यू चेन को मजबूत करना है ऑलरेडी इस पर काम हो रहा है नंबर थ्री एस एच ओज एस डी पी ओज एस पीज़ उनको हुक्म दिया गया है कि दे मेक में दे अवेलेबल uh, पहले आपने शायद पिंडी में प्रैक्टिस भी देखी होगी कि, कि हमने उनके एडवांस स्केजल भी लगाए कि ये ये वक्त पे दे विल भी अवेलेबल तो ये तीन चार स्ट्रेटजीज हैं इसके अलावा जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं दे हैव बीन डायरेक्टेड वेरी क्लियरली टू बी अवेलेबल इन ऑफिस हार्स दूर से आने वाले लोगों के पास खुद रीच आउट करने की कोशिश करें ये जनरल अप्रोच है हमारी कम्युनिटी का फिर कम्युनिटी के जो वो सेगमेंट्स जो वीक सेगमेंट्स हैं औरतें और बच्चे उनको हमारा रीच आउट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है उसमें थ्रू एन भी हम रीच आउट कर रहे हैं थ्रू डायरेक्ट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर किसी के कि हमारे हमें बात पता लग जाए तो हम उसको घर तक जाके उसको चेक चेक करके वापस जरूर आते हैं ठीक है अगर उसमें से कोई कॉगनेबल को ऑफेंस निकलता हो तो जरूर पर्चा दर्ज कर देते हैं अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, तो हम उसको रेफर कर देते हैं टू द कंसर्न डिपार्टमेंट तो ये पूरी की पूरी सोल्यूशन पे काम बट हैविंग सेट्स वो मेरा ख्याल है कि अभी भी बहुत ज्यादा लंबा सफर है हमें और मेहनत करने की जरूरत है वन वे वे और अनदर आप सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डोंट यू थिंक कि पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है उसे हाईलाइट करने की जरूरत है उसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए हाँ जी मैं समझता हूँ कि हमें अपने काम को अच्छा बुरा नहीं कहना चाहिए वी शुड लीव इट टू द पब्लिक काम बोलता है आई एम बिलवर ऑफ दिस मुझे नहीं लगता कि आपके मेरे कहने से काम अच्छा या बुरा हो जाएगा आ, एक तो इट इज़ माई आर ड्यूटी हम किसी पे वो नहीं करते आ, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ हम एहसान नहीं करते वी डू आर ड्यूटी नंबर वन नंबर टू आ, मुझे लगता है परफॉर्मेंस खुद बोलती है हमारे मुल्क में, में मेरा ये ट्रस्ट है आवाम पर कि वो ख़ुद ही ब्लैक एंड वाइट में फ़र्क कर लेते हैं। इट इज़ मैटर ऑफ टाइम जहाँ अच्छे अफसर होते हैं काम करने वाले अफसर होते हैं आपको ख़ुद उनकी आवाज़ आती है हम यहाँ पे आईजी जी साहब के साथ होते हैं हमें दूर दराज के लोगों के लोगों की हमें फीडबैक आती है और उसमें बताते हैं कि फला अफसर जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है कैसा काम कर रहा है तो ये अच्छे और बुरे का मैं ये समझता हूँ कि इट्स ऑलवेज़ विद ये उनका प्रेरोगेटिव है वो काम को अच्छा कहें या बुरा कहें हमारा काम है कि उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें अच्छा करें बा मुताबिक क़ानून करें तो ये दिस इज़ द वे वी हैव बिन डूइंग इट और इसमें जो जनरल अगर आप इसका ग्लोबल परस्पेक्टिव देखें तो पुलिस इज़ नॉट पॉपुलर एनी इन द वर्ल्ड तो वी आर नॉट इन अ पॉपुलैरिटी शो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आर जॉब इन द बेस्ट एंड बी फिटिंग मैनर उसमें हमारा हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस तरीके से इस काम को करें कि आम आदमी को इससे नफा मिले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 2022 की क्या रेजोल्यूशन है uh, उनकी रेजोल्यूशन नंबर वन ये है कि जी के वी विल गो बाय द रूल ऑफ लॉ नंबर टू नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन पुलिस अकाउंटेबिलिटी चूँकि पुलिस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रॉबस्टली मूव करेगी तो तभी हो सकता है जब आप अच्छे लोगों को प्रमोट uh, करें और जो लोग इसमें ब्लैक शीप हैं उनको वे टाइम टू टास्क नंबर टू नंबर थ्री पुलिस रिस्पांस पे आई जी साहब का बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हैं ख़ुद इन्वॉल्व रहते हैं uh, मैं समझता हूँ बतौर आई जी डे टू डे एक एक बात पे ख़ुद इन्वॉल्व होना उसको देखना उस पर गाइडेंस देना और उसके साथ वो तो स्पेस भी बरकरार रखना कि लोकल रियलिटीज को लोकल अफसरान साथ रखें तो ये बड़ी अ हार्ड टू डू दिस नंबर फोर वो ये चाहते हैं कि पुलिस का जो महकमा है इसके अंदर सेल्फ uh, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम मूव कर दें uh, हमारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हों कि हम लोग कम से कम रिलायंस हो बाहर की तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन जो है वो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है वो इन्वेस्टिगेशन पर खर्च हो आम आदमी तक उसके असरा पहुंचे तो ये तीन चार उनकी प्रायोरिटीज हैं ये इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑब्वियसली बिकॉज आई जी पंजाब का तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है बट uh, उसके अंदर भी उन्होंने की बड़ी क्लियर वैल्यूज सिस्टम उन्होंने हमें दिया है जिसको वो दिन रात उस पर पे वो पैरा भी देते हैं हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वी गो बाई इट थैंक यू सो मच